दिल्ली के साथ साथ अब ईडी का एक्शन चंडीगढ़ और पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। बुधवार सुबह ईडी ने चंडीगढ़ पंजाब में आईएएस अधिकारियों और अन्य अफसरों समेत कई ठिकानों पर रेड की है। बताया जा रहा है कि ईडी की यह रेड मोहाली में गमाडा अधिकृत जमीन में अमरूद घोटाले को लेकर की गई, जिसमें अमरूदों के पेड़ों को फर्जी तरीके से दिखाकर गमाडा अधिकारियों से मिली भुगत करके करोड़ों रुपए मुआवजे के रूप में हड़पे गए। ईडी से पहले इस घोटाले में पंजाब विजिलेंस की जांच और कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब इस घोटाले में ईडी की दस्तक से कार्रवाई और तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ईडी ने चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब में मोहाली, फिरोजपुर, बठिंडा समेत दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की है। पंजाब के आईएएस अफसर राजेश धीमान के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई। राजेश धीमान इस समय फिरोजपुर में डीसी हैं। धीमान की पत्नी के नाम करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए जाने का आरोप है। वहीं धीमान के अलावा पंजाब के आबकारी कमिश्नर आईएएस वरुण रुजम के ठिकाने पर भी ईडी की रेड हुई है। ईडी ने सभी ठिकानों पर लंबी छानबीन की। इस दौरान उक्त ठिकानों के आसपास एरिया को सील करते हुए किसी को भी इधर उधर नहीं जाने दिया गया। छापेमारी के दौरान लोगों को मोबाइल चलाने की अनुमति भी नहीं दी गई। छापेमारी के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। ईडी ने जब चंडीगढ़ और पंजाब में अफसरों समेत विभिन्न ठिकानों पर रेड की गई तो चर्चा थी कि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले पंजाब बीजेपी की तरफ से एक लेटर लिखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि पंजाब शराब नीति की जांच की जाए, क्योंकि पंजाब की शराब नीति भी दिल्ली की तरह ही बनाई गई। पंजाब की शराब नीति में भी घोटाला हुआ है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।